इस प्रकार बालक मस्ता ने अपने बाल काल में कई चमत्कार दिखलाए। अब तो गांव के लोगों ने एक दिन पंचायत बुलाई और सभी ने ये राय व्यक्त की कि मस्ता तो कोई चमत्कारी दिव्य शक्ति है, इसको किसी सिद्ध गुरु के पास भेज दिया जाना चाहिए। मस्ता का पिता सबला अन्य ग्राम वासियों के साथ कई साधुओं के पास मस्ता को लेकर गए, लेकिन कोई उचित सिद्ध महात्मा नहीं मिले और इस वजह से घर लौट आए। एक दिन इत्तेफाक से उस गांव में सिद्ध बाबा नरमाई नाथ जी आ गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे धुनी लगाई और तप करने लगे तो सब लावा उसकी पत्नी अपने पुत्र मस्ता को नरमाई नाथ के पास ले गई और उनसे मस्ता को अपना शिष्य बनाने के निवेदन करने लगे, लेकिन नरमाई नाथ जी इनकार कर देते हैं। अब तो बालक मस्ता स्वयं नरमाई नाथ जी से करबद्ध प्रार्थना करता है और क्या कहता है तथा संत नरमाई नाथ जी क्या जवाब देते हैं रागनी के द्वारा।
साधना से हटू ना बेशक उम्र अलेल से दस इंद्री को बस मैं करना ना हंसी खेल से अगन गगन जल पवन धरण का काया मेल से प्राण अपान उदान का ना अंजन में तेल से हाँ दे दो शरण श्री चरणों में कर लूं खूब भात मात पिता और यारे प्यारे कोई रहे ना साथ बाबा जी मन चेला कर ले मैं कहूं जोड़ के हाथ कठिन फकीरी का करना ना सबके बस की बात कठिन फकीरी का करना ना सबके बस की बात हाँ साधन योग साधन योग तपस्या सेना हटूं सुबह से शाम सर्दी और चमासा कैसे जेले तपता घाम दो आशीष हाथ धर सिर पे आज गुरु सरयाम ना माने तो चल बच्चा मोह ममता छोड़ तमाम राम